अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राणा और आपका वेलकम करता हूं RWTH में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट कर्मा के ऊपर। हम अपने रेडिट में कमेंट कर्मा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रेडिट सीरीज स्टार्ट है और ये हमारी रेडिट लिस्ट की लास्ट वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि कमेंट कर्मा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी रेडिट की, तो वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर वो तमाम की तमाम वीडियो देख सकते हैं, कि रेडिट की प्ले लिस्ट बनी होगी उसमें। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस लाल बटन पर क्लिक के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास एक बेल का आइकन शो हो रहा होगा, उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, मेरा रेडिट का पेज ओपन है, ठीक है, मेन पेज। तो मैं बताता चलूँ, कमेंट कर्मा इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है सब रेडिट है, वो है आस्क रेडिट, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट, चले मैं बताता हूँ बात है आगे, इसमें डेस्क रेडिट में बताता हूँ, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ, ठीक है। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 13 घंटे पहले अपलोड हुई है, उसके कमेंट्स देखें कितने हैं, 5336। 12 घंटे पहले हुई है 2000, तकरीबन 3000, ठीक है, ये 2000। ये 22 घंटे पहले हुई है, उसके 6000 कमेंट्स हैं, ठीक है। और ये चेक कर सकते हैं, उसके बाद ये देखिए न्यू को छोड़ रहे हैं आप, इधर से आपने राइजिंग में आ जाना है। राइजिंग में आपने देखना है फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी पोस्ट है जो सबसे कम वक्त में सबसे ज़्यादा कमेंट्स है उसमें, 20 मिनट में 29, 22 मिनट में 28। ये देखें फ्रेंड्स, नहीं, 1 घंटे में, ठीक है फ्रेंड्स। आपने ऐसे ये देखें, आपको मिल जाएगी, आपने उसी पोस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ये अभी तो ये पोस्ट अभी हुई है ना, इसी तरह की सेम पोस्ट 2013 में भी हुई है, बिल्कुल सेम यही चीज़ है, आपने इस पर क्लिक करना है, यही आपने चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। इधर से आपने चेक करना है किस कमेंट को सबसे ज़्यादा अपॉइंट्स मिले हैं। ये देखें, ये जो सर ये कमेंट्स है, टॉकिंग आई एम साउंड विद माउथ एंड आई एम पुटिंग आइडियाज इन योर हेड, जिसको 2446 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। आपने इसी को ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, और उसी में आकर आपने कमेंट करना है, और यहाँ पर आके आपने कमेंट कर देना है। और मैं आपको बताता चलूँगी, सिर्फ आपने राइजिंग वाली में करना है, हॉट वाली में नहीं करना, उससे ये होगा हॉट वाली में तो ऑलरेडी 4-5 हज़ार कमेंट्स होंगे, तो वो आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, तो आपका कमेंट्स इंक्रीज नहीं होने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ किस तरह आपने इसको अपलोड करना है। वो आपने 2-3 ID बना लेनी है अलग अलग IP पर, एक ही IP पर नहीं बनानी, और आपने जहन में रखना है कि चीज़ आपने जिस पर आपका YouTube का चैनल लॉगिन है उस पर आप अपनी प्रॉक्सी यूज़ ना करें, उससे ये होगा कि आपके चैनल को बैन होने का खतरा होगा। बाय द वे, मैंने आज तक कभी ऐसे यूज़ नहीं किया कि आप फेक IP फेक से अकाउंट्स बनाकर खुद को प्रमोट करूँ, उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है और इतना वो भी नहीं मिलता, ठीक है, और इतना सोल्यूशन भी नहीं मिलता, इतना फल भी नहीं मिलता इसमें से, ठीक है। तो आपने इसी तरह किए करना है। अगर आपने देखें यहाँ से, अगर मैं दोबारा से आस्क रेडिट में आ जाता हूँ, ये पोस्ट कर दिया, और इंशाल्लाह ये देखें इंक्रीज़ होता जाएगा ऐसा ऐसा। आपने ये नहीं करना है कि एक पोस्ट किए जी मुझे कमेंट्स नहीं मिले, एक वो लिंक करवाने मिले और हार के बैठ के जी मुझसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना, आपने अपलोड करते रहना, इंशाल्लाह एक वीक के अंदर आपको पोस्ट करना और कमेंट करना दोनों ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से आस्क रेडिट में आ गया, यहाँ से मैं राइजिंग में आ जाता हूँ, यहाँ से देखें और आपने ढूंढनी है, ठीक है। ये देखें, ये एक पोस्ट देखें, यस, इस पोस्ट को आपने 37 मिनट पहले में 13 अपवर्ड है इसके, इसको आपने कॉपी कर लेना है और वहाँ पर गूगल पर सर्च करना है और ऐसे ही इसमें को कमेंट करना है, ठीक है। 10 मिनट बाद, क्योंकि इसमें 10 मिनट लिमिट्स होती है, 10 मिनट लिमिट के बाद ही आप इसमें दूसरी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रेडिट में नहीं है, आप वैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आपने दूसरा सवाल ढूंढ लेना यहाँ से। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ,
राइजिंग में आपने देखना है ये 24 मिनट में इसको 41 कमेंट भी लिया है। तो इसके कहना है आपने इसी तरह की सेम पोस्ट आपने भी रेडिट में कर देनी है, इसी आस्क रेडिट में कर दिया। इससे क्या होगा कि कमेंट करना आपका इंक्रीज़ हो या ना हो, ले आपका अपवोट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका रीज़न डेट है कि ये 24 मिनट से 41 कमेंट्स मिली हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप हॉट में आ जाएँ, हॉट में देख लें इसको कितने अपवोट्स मिले हैं, ठीक है। आपने इसी को कॉपी करके रेडिट में दोबारा से पूछ लेना है, ठीक है। अब कोशिश करना है कि थोड़ी सी ना पोस्ट पुरानी हो। ये देखें जैसे ये अभी पूरा ये वन डे हुआ, ये इस तरह की तकरीबन दो तीन घंटे वो दो तीन दिन पहले की हो, आपने वो पोस्ट शेयर कर देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके अपवोट इंक्रीज़ हो जाएंगे और कमेंट करना भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे रेडिट की लास्ट वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा रेडिट क्या है और रेडिट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी यूट्यूब की ट्रैफिक के लिए और वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो वो मेरी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। और लास्ट में अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और एथिकल हैकिंग्स की वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।